आईपी फाउंडेशन सीसी की ट्रस्टी में डॉक्टर स्मिता मिश्रा ने हिंदी भाषा के संयुक्त राष्ट्र में बढ़ते स्वरूप के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस में स्थित विश्व हिंदू सचिवालय में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उत्सव की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रयास से हिंदी का प्रचार प्रसार और भारत सरकार को बल अवश्य मिलेगा। दिल्ली में आयोजित आईपी फाउंडेशन सीसी की ट्रस्टी में डॉक्टर स्मिता मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास कर रही है, लेकिन इस दिशा में अभी और मेहनत किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर स्मिता ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में भी हिंदी का उपयोग कर रहा है। वे हिंदी का उपयोग सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में कर रहे हैं। आईपी फाउंडेशन हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना सतत योगदान देना रहता है। इसी कड़ी में आगामी 3 और 4 जुलाई 2023 को मॉरिशस में स्थित विश्व हिंदी सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्सव करने जा रहा है। इसमें भारत के बाहर देशों से और अन्य 10 देशों के 88 प्रतिभागी भाग लेने जा रहे हैं। आईपी फाउंडेशन के देखरेख में ये दल 30 जुलाई की सुबह भारत से मॉरिशस रवाना होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।